नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सिडनी के रेफ्तना में सचिन तेंदुलकर के साथ डिनर। यदि आप सचिन तेंदुलकर के साथ सिडनी में डिनर करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी। एक मशहूर रेस्तरां ने इस चैंपियन बल्लेबाज के साथ 1500 से 3000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत पर डिनर का इंतजाम किया है। इस वीआईपी डिनर में सिर्फ 60 लोग आमंत्रित होंगे, जो 26 फरवरी को भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच के बाद आयोजित किया गया है। तटरक्षक बल के डीआईजी लोशाली के बयान से बवाल। तटरक्षक बल के डीआईजी बीके लोशाली के उस बयान से बवाल मच गया है, जिसमें उन्हें एक समाचार पत्र में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वह सुरक्षा एजेंसी ही थी जिसने पाकिस्तानी नौका को उड़ाया था और इसके लिए आदेश उन्होंने ही दिया था। सूरत में एक दैनिक समाचार पत्र ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया है कि मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद है आपको 31 दिसंबर की रात याद होगी, हमने उन्हें उड़ा दिया। मैं गांधीनगर में था और उस रात मैंने कहा था नौका को उड़ा दो, हम उन्हें बिरयानी नहीं परोसना चाहते थे। यह घटना अरब सागर में पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर हुई थी। कोयला मंत्रालय पर साइबर हमले का खतरा। इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के जरिए कोयला ब्लॉक आवंटन की इस समय चल रही प्रक्रिया में कंपनियों की जोरदार भागीदारी के बीच मंत्रिमंडल सचिवालय ने कोयला मंत्रालय को साइबर हमले के खिलाफ चौकसी के मानदंडों को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी है। सरकार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र को कोयला ब्लॉक आवंटित कर रही है। मंत्रिमंडल सचिव अजित सेठ ने हाल में कोयला सचिव अनिल स्वरूप को लिखे पत्र में सरकारी प्रतिष्ठानों के कंप्यूटर नेटवर्कों पर पिछले कुछ समय में पूरी तैयारी के साथ किए गए हमलों की याद दिलाई है। आठ साल बाद जेल से छूटे पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जेल में बंद गुजरात के पूर्व आईपीएस ऑफिसर डीजी वंजारा 8 साल बाद जेल से रिहा हो गए। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 5 फरवरी को उन्हें सशर्त जमानत दी थी। रिहाई के बाद वंजारा ने कहा कि गुजरात पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया, सभी आरोपी निर्दोष हैं। मोदी के सूट के लिए 1.11 करोड़ की बोली। गुजरात के अप्रवासी भारतीय विराल चौकसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादास्पद सूट की बुधवार को 1.11 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। मोदी ने यह सूट पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान पहना था। यह नीलामी 3 दिन तक चलेगी, इसमें मोदी को मिले उपहार भी शामिल है। नीलामी से होने वाली आय गंगा की सफाई पर खर्च होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।